रुचि रथ में मनीष कश्यप को पूरा बेतिया घुमाया जाएगा। तेजस्वी मनीष भैया के धमका दे रहा तब फरार। देखिए मनीष कश्यप निकल गया तो इतना है हम लोग जैसे राम अयोध्या वन से आ रहे थे जो सारा गांव में अयोध्या में दीपावली मनाया जाता है उस तरह हम लोग मनाते हैं। चार डीजे है दो रंत है। कश्यप की माँ जो है कि देखिए घर में मिट्टी का घर में अभी चौका लगा रही थी। देखिए कोई ये बड़ा प्लास्टर मार्बल नहीं लगा हुआ है जिसमें जो माँ 9 महीने तक खून की आंसू रोई है वह माँ से मिलने तक नहीं आया। मनीष भैया के झुकावे लग और फायदा लगा। वाह ये देखिए किस खाना किस तरीके से बनता है। दादी हैं दो भाई है लोग बुढ़ाऊ लोग तेजस्वी बाटे तो हर गोल गोल लाल अंडा जो ये मनीष भैया फोड़ दें तो यह हो जी बैठा। मनीष कश्यप का गांव है जो कि आप देख सकते हैं ये। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, अभी मैं मनीष कश्यप के गांव में मौजूद हूं और जो आप मेरे पीछे एक देख रहे रथ जो कि आप देख सकते हैं इस रथ को पूरी तरीके से सजा करके तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे तमाम ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं और मीडिया बंधु भी काफी आए हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है स्थानीय ग्रामीण है। हाँ मिलो यहीं के। अच्छा, मनीष कश्यप जेल से 9 महीने के बाद निकले हैं, आप लोग में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बेसब्री से इंतजार था। हाँ इंतजार था लड़का। मनीष कश्यप को कुछ लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मनीष कश्यप बनाएंगे, तो आप लोग का कितना समर्थन है गांव से? सबका समर्थन रहेगा बनाने में। हाँ पूरा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब आप लोग देखना चाहते हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में मनीष कश्यप को? हाँ लेकिन मुख्यमंत्री बनने के पहले पहले पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ। पार्टी बनाया जाएगा किस कौन सी पार्टी या क्या क्या दूसरी पार्टी से आते हैं। देखिए मंत्री बनने के लिए उसका नियम सिलसिलेवार होता है, जिस पार्टी से आएंगे उस पार्टी से जीता कर उसको मंत्री बनाया जाएगा। मतलब आप लोगों का गांव से पूरा मतलब समर्थन रहेगा मनीष कश्यप? हाँ हाँ रहेगा। इतना खुश हैं? बहुत खुश बानी सब। जेल से निकले बहुत बहुत खुश बानी सब। उनको इंतजार करते हैं आँख में नींद नहीं खेया। नींद नहीं आ रहा है? देखिए बाबा को, ये बाबा का उम्र देखिए, कह रहे हैं कि इतना खुशी है कि जब से सुने हैं कि मनीष कश्यप रिहा हुए हैं तभी से आंख में नींद नहीं आ रहा है बाबा को कि कब हम मनीष कश्यप अपना लड़का को देखें। देख क्या लगे, कौन लगेंगे मनीष कश्यप? पोता लगेंगे क्या? हाँ पोता लगेंगे। देखिए और एक बाबा। अच्छा बाबा कितना खुश है मनीष कश्यप निकल गया? तो इतना है हम लोग जैसे राम अयोध्या वन से आ रहे थे जे सारा गांव में अयोध्या में दीपावली मनाया जाता है उस तरह हम लोग मनाते हैं। आज जो है कि आप लोग दीपावली एक तरीके से मनाने वाले हैं पूरा गांव में? कल है परसों से बन रहा। हाँ आप लोगों का गांव से कितना सपोर्ट है मनीष? सपोर्ट तो सारा है, पहले भी सपोर्ट किए थे। हमारे गांव का है, हमारे वार्ड का है, हमारे पंचायत का है, तो उसको नहीं करेंगे तो दूसरे जगह जाएंगे। मनीष कश्यप का गांव है जो कि आप देख सकते हैं ये। क्या क्या तैयारियां हैं मनीष कश्यप को लेकर? अब बहुत तो तैयारियां है, पूरे गाँव इकट्ठा है। पूरे गाँव इकट्ठा है। दादी हैं दो भाई है लोग बुढ़ाऊ लोग। अच्छा एक भाई के परिवार लोग है, एक भाई के हम निकल। अच्छा अच्छा मनीष कश्यप के पापा जी दो भाई हैं? तीन भाई हैं। क्या क्या नाम? राधा तिवारी मनीष कश्यप के पापा। सबसे जेठ, सबसे बड़ा का। उसके बाद मौजूलू का इंकरा बाबसी के मुन्ना तिवारी नाम है। अच्छा मनीष कश्यप के पापा जी का नाम है मुन्ना तिवारी? मुन्ना तिवारी एक और कथिन को हमरा नाम आवेला। तिवारी से आए बस? मतलब किस लिए आए हैं? बस मनीष कश्यप भैया से मिलने आए हैं। हम लोग को मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं और बड़ा भाई भी है उनको, बहुत मार्गदर्शन के करीब। आज हम लोग 2 दिन से यहाँ पे स्वागत में बैठे हुए हैं। 2 दिन से डीजे ओजे बांध दिन से इंतजार में। हम लोग घोड़ा भी बांध के रखे थे आज से 2 दिन पहले और बैंड बाजा भी थी, आजाद बैंड पार्टी भी थी। तो जब नहीं है क्या? आज भी है। हाँ। आज भी लगा के अभी उधर का एक को आप लोग दिखाइए। देखिए यहाँ का लड़का है एक, क्या बाबू कितना आज तैयारी है मनीष कश्यप? बहुत तैयारी है। बहुत। क्या क्या तैयारी? जैसे जैसे चार डीजे है। चार डीजे है, दो रंत है। चार डीजे है, दो रंत है, दो रथ है। और नाचने के लिए बहुत सारे आदमी है। तेजस्वी को शायरी भी मार देंगे। तेजस्वी मनीष भैया के धमका दे रहा तब फरार जी कि सुनो तेजस्वी मनीष भैया के धमका दे रहा तब फरार जी कि सुनो तेजस्वी मनीष भैया के धमका दे रहा तब फरार जी आज जो मनीष भैया को छू दे तो ये राइफल गन को सीधा टंगा जी। और कोई शायरी है क्या? बताओ बताओ भाई। तेजस्वी तुम बाटे तो हर गोल गोल लाल अंडा
तेजस्वी बाटे तोहर गोल गोल लाल अंडा जैया मनीष भैया फोड़ दे हो जी बैठा। वाह क्या देखिए साड़ी बनाई है छोटा बच्चा इतना जोश जुनून है। एक और है कि सुना तेजस्वी दूर बार से बोला था स्टार है सुना तेजस्वी दूर बार से बोला था स्टार है जैया मनीष भैया छू दे धले विस्तार है। क्या धलियो विस्तार यानी पछाड़ी धलियन। अच्छा मतलब विस्तार एक और ही बा सुनते स्वी मनीष भैया धमका होता रह तो कटा जीव कि सुनते स्वी मनीष भैया धमका होता रह तो कटा जीव जो बेटे जी हम सुनिब तो सीधा ठोक पत्थर पिसाइल कबो मैदान पत्थर पिसाइल कबो मैदान भइल पत्थर पिसाइल कबो मैदान भइल मनीष भैया के झुकावे ला कोनो फायदा ना। वाह देख कश्यप का घर बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा तो आप देख लीजिए आज की मनीष कश्यप का घर कैसा है ना। तो ये मनीष कश्यप का घर है मनीष भैया का घर है आप लोग घर को देखिए कि कैसा घर है। इसी घर को आज से कुछ दिन पहले जो है कि सारा सामान जो है कि चौकी कुर्सी ट्वेल मतलब जितना सामान होता है घर का पलंग सब चीज़ को कुर्की करके लेके चल गया गया था जैसा कि आप लोग जानते भी हैं पहले लेकिन बाद में फिर सभी चीज़ को लौटा दिया गया। तो यही घर है भैया का देख लीजिए किस तरीके का खपड़ा का घर है। और आप लोग सोचते होंगे कि बहुत बड़ा बिल्डिंग में रहते होंगे मनीष कश्यप बहुत बड़े लोग हैं तो आप देख लीजिए किस तरीके का है ये देखिए किस खाना किस तरीके से बनता है मनीष कश्यप का ये सब घर देखिए कैसा है मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप के लिए जो है कि स्वागत के लिए फूल भी जो है कि यहाँ पे माला बना के रखा गया है। मनीष कश्यप की माँ जो है कि देखिए घर में मिट्टी का घर में अभी चौका लगा रही थी देखिए कोई ये बड़ा प्लास्टर मार्बल नहीं लगा हुआ है जिसमें क्या कहिएगा सर इस मनीष भैया का ये ऐसा छोटा मोटा घर में रह रहे हैं। इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए जिस इंसान इंसान का दिल बड़ा होता है इंसान हर कुछ कर जाते हैं। आप देख सकते हैं जो माँ 9 महीने तक खून की आंसू रोई है वह माँ से मिलने तक नहीं आया इससे बड़ा दिल और क्या हो सकता है। और जो दशरथ माँ जी जिसको अवार्ड मिलना चाहिए था उनका आवाज उठाने के लिए वहां गया चले गए क्यों क्योंकि दशरथ माँ जी को लोग 20 वर्षों तक पागल ही समझ रहे थे लेकिन 22 वर्ष में वो ऐसा कारनामा कर दिया जो विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया पर्वत पुरुष कहे जाने लगे इसीलिए उनका आवाज उठाने वहां गए और उम्मीद है गांव भी आएंगे। मनीष भैया का घर को लेके आप क्या कहिएगा जो इतना साधारण इतना खपड़ा का घर में रह रहे हैं। जो गरीबी से पले बड़े होते हैं ना वो गरीबी का दुख दर्द समझते हैं। मनीष कश्यप जब जेल में थे ना उनके बावजूद भी एक पत्रकार की हत्या हो जाती थी अररिया जिला में तो उनके बावजूद भी वहाँ मनीष कश्यप के द्वारा जो है 50,000 का वहाँ पे दान दिया जाता है सहयोग किया जाता है लेकिन वो अपने घर देखिए खपरेल नुमा घर लोग कहते हैं ये है वो है ऐसा है वैसा है जरा गौर कीजिए जो इंसान खपरेल नुमा घर रह करके दुख काट करके लोगों का भला करता हो वो इंसान को भी 9 महीने सलाखों के पीछे रहना पड़ा एनएसए भी लगाना लग गया उस पे। एनएसए जो लगा कितना हद तक सही है लगता है कि मनीष भैया ऐसा कुछ किए थे जिसपे एनएसए उसको लगा था। कहते हैं ना जिसकी सत्ता है उसकी ताकत है तो ये राजनेताओं का काम है क्योंकि मनीष कश्यप भैया खुद कहे थे कि मुझे जो है ना बिहार के नेताओं पे भरोसा नहीं है लेकिन बिहार के कानून व्यवस्था पे भारत के कानून व्यवस्था पे मुझे पूरा भरोसा है और वही कानून व्यवस्था उसको बड़ी किया है। बहुत ना आंटी आंटी।